हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 15 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और उसका हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 23.4। उसमें हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए थे 38 तक। और देखिए हम लोग उसमें जो है अभी दो क्वेश्चन लेके रखे हैं, फिर इसके आगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ए जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे उसके बाद इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब सिर्फ यहाँ से क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, एक्स का सारा टर्म डी एक्स की तरफ, ए डी वाई तो अकेले है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग ये क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब ए मेरा इसको क्या मान लेते हैं, सॉरी ए मेरा क्या होगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, ए मेरा क्या हो जाएगा इसको मान लेते हैं आई वन और प्लस सी, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर वन मान लिए। सीन्स हम लोग आई वन का सॉल्यूशन करते हैं, ए क्या है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। यदि इस इंटीग्रल को देखिएगा तो आपको डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक मेरा वन है और दूसरा क्या है साइन इनवर्स एक्स है। वन मेरा किस तरह का फंक्शन कहलाता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और साइन इनवर्स एक्स मेरा क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, तो आप लोग पढ़े होंगे जो है बायपार्ट, जो है इसमें हम लोग आई लेट लगाते हैं, तो आई एल ए टी ई। अब देखिए इसमें देख सकते हैं ए मेरा क्या है, ए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ए जो है ए ट्रिगोनोमेट्रिक और क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान दीजिए तो ए मेरा पहले है, दूसरा एल्जेब्रिक इधर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको यू कंसिडर करेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे, अब क्या हो जाएगा, अब साइन इनवर्स एक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अब माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन क्या डिफ्रेंसिएशन किसका होगा जो बाहर में है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ये हो जाएगा वन डी एक्स, और जो है इस इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा या डी एक्स। अब ध्यान दिया जाए ये हो जाएगा आई वन, अब वन का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसका होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है डी एक्स का हो जाएगा एक्स डी एक्स। ये मेरा हो गया आई वन इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा इसको इस इंटीग्रल जो है ये मेरा कितना है एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग अलग से सॉल्यूशन करते हैं और उसका वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, इसको कॉन्स्टेंट भी आप दे सकते हैं, तो हो जाएगा आई वन प्लस इक्वल टू एक्स साइन वर्स एक्स, इसको मान लेते हैं आई टू प्लस सी, इसको मान लेते हैं टू, आई वन का वैल्यू इसमें निकाल कर आई टू का वैल्यू इसमें रखेंगे, तो सीन्स आई टू मेरा क्या है एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या पुट करेंगे हम लोग टी पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी टी इज इक्वल टू कितना होगा जीरो माइनस टू एक्स डी एक्स। तो
तो देखिए यहाँ से एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। देखिए ये मेरा क्या है, एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा आई टू इज इक्वल टू, ये मेरा है एक्स डी एक्स का क्या है, डी माइनस डी टी बाई टू, तो हो जाएगा वन बाय रूट अंडर टी, ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टू, माइनस डी टी बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी टी बाई टू, तो माइनस वन बाय टू को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा डी टी बाय रूट अंडर टी, तो रूट अंडर टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेज टू दी पावर माइनस वन बाय टू डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा या आई टू इजिकल टू माइनस वन बाय टू एंड टी का पावर माइनस वन बाय टू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसमें माइनस वन बाय टू में वन ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा वन बाय टू, और वन बाय टू से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी रेज टू डी पावर वन बाय टू। और जब इसको हम लोग वन बाय टू से डिवाइड करेंगे, टू क्या चल जाएगा, वह ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इन टू में हो जाएगा, टू टू विल कैंसल, ये क्या हो गया प्लस सी। अब हो जाएगा माइनस टी का वैल्यू कितना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर वन बाय टू, मतलब हो गया माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर टू में, फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस, एंड इस आई टू का वैल्यू कितना है, ये है माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है प्लस सी, यहाँ भी सी दे दीजिए, यहाँ भी सी, ये सी यहाँ पे करेंगे, सी और सी क्या होगा कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का सम क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट ही, तो हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा क्या आ गया आई वन का वैल्यू, और इस आई वन का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन नंबर वन। तो आई वन क्या है, ये देखिए यहाँ पे आई वन लिखा हुआ है, अब इसका वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर आ चुका है, रूट अंडर क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा क्या बोलेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 41 लिखे हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए 41 में क्या बोला है, ये बोलता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दे रखा है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, एंड गिवेन दैट बोलता है वेन एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब यह इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पीछे सर 29 में सॉल्व किए हुए हैं, उसमें था कुछ इस तरह से एफ फाइव बाई फोर इज इक्वल टू टू था, मतलब एक किसका वैल्यू रहता था एक्स का, और ए जो टू आया है किसका हुआ, एफ का वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे इसको इस तरह लिखना चाहें तो हो जाएगा एफ टू इज इक्वल टू जीरो, ये एफ टू आप तो लिख सकते हैं वाई टू इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा एक्स का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू हम लोग टू लेंगे देन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, 41 सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब देखिए ये मेरा है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स इधर है तो एक्स का सारा टर्म इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो क्या करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड ऑन
इंटीग्रेटिंग क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम लोग आई वन प्लस सी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन। सिंस आई वन मेरा कितना है, वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इस इंटीग्रल का जो है सॉल्यूशन हम लोग आप लोग पढ़े होंगे जो है पार्शियल फ्रैक्शन, उससे कर सकते हैं। आ तो हमको इस जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज यदि हो पाएगा तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ हमको ए और बी का वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा, जल्दी बन जाएगा। तो क्या है, आई वन इज इक्वल टू क्या, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन बाय एक्स। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ए टर्म आना, ये मेरा आना चाहिए। यदि इसको सॉल्यूशन करने पर ये नहीं आ रहा है, मतलब इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। यदि सॉल्व करेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए नीचे वाला तो ठीक ठाक है, ऊपर में सिर्फ मेरा वन बचना चाहिए, ये चीज़ मेरा एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो एक्स्ट्रा कैसे आ जा रहा है भाई, कब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे यदि सोचिए कि पहले से एक्स रहता तो यहाँ पे क्या होता, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ पे एक्स रहता, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे हम एक्स दे दें तो हो जाएगा, अब इससे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखिए एक कट जाएगा, तब क्या बचेगा, वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। मतलब इसको हम, मतलब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, मतलब इसका, इसके लिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको क्या होगा, इतना अब क्या करते हैं, अलग अलग इसको यदि कर दें तो हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल भाई, अब इसको जो है सब्स्टिट्यूशन के द्वारा पुट कर सकते हैं, इसको जेड पुट कीजिएगा तो ऊपर में आएगा, डिपेंड क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ एक्स डी एक्स के बदले लिख दीजिएगा जैसे बनाए वैसे, या तो फिर इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म करें, यहाँ टू कर दें और टू से डिवाइड कर दें। अब इसको हम लोग जो है पुट करेंगे टी, तो आ जाएगा टू एक्स, तो हो जाएगा वन बाय टी डी टी, मतलब वन बाय टी का हो जाएगा लॉग टी। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा माइनस, एंड वन बाय एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। ये मेरा क्या आ गया, आई वन का वैल्यू। इसका आई वन का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन नंबर वन। क्या है इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू आई वन प्लस सी। तो हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आई वन का वैल्यू है वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये सी है, एक और सी देंगे तो कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का सम भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ये मेरा आ गया है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इसका। लेकिन बोलिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी भी हमको नहीं, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा पे जो इनिशियल कंडीशन दिया गया है उससे हम पुट करेंगे, उससे किसका वैल्यू निकालेंगे, हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू। इस सी के जगह पे आप के पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मान लेते हैं इस इक्वेशन को टू। अब क्या करेंगे, उस इक्वेशन नंबर टू में सिंपली क्या करना है, तो वो जो है इनिशियल कंडीशन जो दे रखा है उसको हम लोग पुट करेंगे। क्या है, गिवेन है, गिवेन इनिशियल वैल्यू क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू टू वेन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो है फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या बोला है, ज़ीरो इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग हो जाएगा x का वैल्यू टू बोला है, तो टू का स्क्वायर माइनस वन माइनस ये हो जाएगा लॉग टू प्लस सी। तो ज़ीरो इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री
माइनस लॉग टू प्लस सी। देयर फोर यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे, ये माइनस में है तो हो जाएगा लॉग टू माइनस वन बाय टू लॉग थ्री। ये सी का मेरा कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब इनिशियल कंडीशन दिया ही इसलिए रहता है ताकि उससे आप कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकें। एक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, किसने पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर टू। तो देयर फोर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग टू माइनस वन बाय टू लॉग थ्री। ये किसका वैल्यू लिखे हैं, सी का वैल्यू। अब ये मेरा क्या हो गया, इस ये जो क्वेश्चन था उसका कंप्लीट आंसर हो चुका है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड और कुछ अन्य क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का है 42 नंबर, इसको सिर्फ हिंट कर देंगे, ये बन जाएगा आप लोग से। इसका सॉल्यूशन करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कॉस वाई डी वाई प्लस ये है कॉस एक्स साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या करते हैं, किसी एक टर्म को हम लोग उधर ले आते हैं और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी, इनिशियल वैल्यू भी दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी एक्स। इधर देखिए डी वाई है तो वाई वाला टर्म हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, तो हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो वाई है वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉस का क्या हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं इस साइन को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, देयरफोर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन वाई प्लस प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब इससे और इनिशियल कंडीशन दिया है, उससे हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। गिवन है इनिशियल वैल्यू बोलता है y इज इक्वल टू पाई बाय टू वेन x इज इक्वल टू पाई बाय टू, पुट कर देते हैं तो देयरफोर हो जाएगा log ऑफ साइन y का वैल्यू कितना है पाई बाय टू प्लस साइन x का वैल्यू कितना है पाई बाय टू इज इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा log साइन कितना हो जाएगा साइन पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू 1 प्लस साइन 90 वैल्यू 1 इज इक्वल टू सी। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, देयरफोर क्या हो गया सी इज इक्वल टू 1। और उस सी का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हो जाएगा फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो ए मेरा क्या आ चुका है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर से 42 के बाद 43 एंड 44 है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन आसान भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है कि एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, एज मेरा क्या दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है। 45 का सॉल्यूशन दिया हुआ गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स वो क्या है, कॉस के एंगल में है, तो देयर फोर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इधर आएगा, हो जाएगा या कॉस इनवर्स ए, तो हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डी एक्स। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया है, कॉस इनवर्स ए मेरा क्या है कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, तो हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डी एक्स, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए क्या हो कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा डी एक्स, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू डी एक्स का क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स ए इंटू एक्स प्लस सी, तो देयरफॉर लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है मेरा, उसे पुट करके हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे कॉन्स्टेंट का, गिवेन इनिशियल वैल्यू बोलता है वाई इज इक्वल टू टू है वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट करते हैं वाई का वैल्यू क्या बोला टू, एक्स का वैल्यू क्या बोला है जीरो इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस सी, अब हो जाएगा जीरो इंटू कॉस इनवर्स से जीरो प्लस सी, देयर फोर सी का वैल्यू क्या हो गया टू, इस सी का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे वन में, तो हो जाएगा फ्रॉम वन, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी का वैल्यू कितना है टू, ए मेरा हो जाएगा आंसर। आप तो फिर क्या करते हैं इसको अब इधर भी ले आ सकते हैं वाई माइनस टू इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए, ए मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड आंसर किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज हम लोगों ने देखा कि इनिशियल वैल्यू से रिलेटेड जब इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा तब हम लोग उसका उस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।